अच्छा भाई, आज क्या चल रहा है? अस्तग़फ़ुरुल्लाह, -20 एंड फील्स लाइक -33। ये आपको दिख रहा होगा, ये टाइम है, ये डेट है आज। ओह माय गॉड, क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आज कैलगरी में फील्स लाइक -33 है। मुझे अभी कुछ ही महीने हुए हैं मूव करे हुए कैलगरी में, 6 महीने ऑलमोस्ट। टोरंटो से मैं आया था कैलगरी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बोरा हाउस, उसके बाद नौकरी जब मेरी लगी तो मैं मूव हो गया। तो बात सारी ये कि देखें, -33 वाकई में एक ब्रूटल वेदर है। आई वुड से कैलगरी, अगर आप आ रहे हैं टोरंटो से स्पेशली, या कहीं से भी आप आ रहे हैं दुनिया में और आप सर्दियों में आ रहे हैं, तो ये इट्स अ बिग शॉक। उसके लिए आप रेडी रहें। बाकी ये कि -33 में, देखें मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सो आई एम लकी इन दैट वे। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए आ जाऊँगा बाहर, और मैं आप लोगों को आज जाके दिखाऊंगा कि भाई कैसा फील होता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉफ़ी वगैरह लूँगा अपनी फैमिली के साथ, उसके बाद हम लोग जाएंगे एक दुकान पे, हमें 2-3 चीज़ें खरीदनी है। तो दुनिया फिर भी चल रही है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है बर्फ़, ट्रस्ट मी, 5-6 सेंटीमीटर बर्फ़ होगी। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, गाड़ियाँ फिर भी चल रही हैं। स्कूल की ये मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि इस वेदर में हमने तो अपने बच्चों को नहीं जाने दिया। सीधी बात है, इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि ये जो विंड चल रहा है ना, ये आपकी स्किन को फ्रॉस्टबाइट कर सकता है 10 मिनट के अंदर, या उससे भी कम। तो इसका रिस्क नहीं हमने लिया, जबकि स्कूल यहाँ पे खुले हुए हैं, लोग फिर भी जा रहे हैं। पर हमने आज इनकी छुट्टी करा दी, क्योंकि भाई कल भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और फ्राइडे को स्पेशली -36 टेम्परेचर होगा। तो फील्स लाइक आई बिलीव कि 40s में चला जाएगा, वो तो मैंने ज़रूर कवर करना है। ये हकीकत है भाई कैलगरी की, टोरंटो से बहुत डिफरेंट है ये, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ पहले से ही। टोरंटो में भी बहुत ठंड पड़ती थी, पर देखिए वहाँ पर फील्स लाइक भी ज़्यादा होता था, जो मैंने महसूस किया है वहाँ पर इतना नहीं, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा। पर ये एक अच्छी चीज़ है कैलगरी के बारे में कि ये 1 से 2 हफ्ते रहेगा फॉर श्योर, जो मैंने सुना है और मुझे लग भी रहा है। फिर जब शिनूक आएगी, जो कि एक स्नो ईटर विंड आती है पहाड़ियों की तरफ से, वो इस जगह की सारी बर्फ़ को मेल्ट कर देती है, अच्छी बात ये है यहाँ की। और उसके बाद ये कि आप फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ सकते हो आराम से। वेदर यहाँ पे प्लस में भी चला जाता है, तो यानी कि अभी जैसा -20 हो रहा है, तो एकदम +10 चला जाएगा। उसकी वजह से कुछ लोगों को यहाँ पे माइग्रेन भी होता है, आपको पता है कुछ प्रेशर की कुछ ऐसा कुछ फिनोमेन है जिसकी वजह से आपके प्रेशर्स आते हैं और आपके यहाँ पे माइग्रेन शुरू होता है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा होता है माइग्रेन, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, जितने को मैं जानता हूँ यहाँ पे तकरीबन उनमें से शायद मेरे कुलीग है उसको होता था, इसके अलावा मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पे होना शुरू हुआ है। अदरवाइज ओवरऑल आई बिलीव इट्स वेरी अफोर्डेबल, इट्स हाईली लिवेबल। तो लेट्स गो आउटसाइड, मैं आपको जल्दी से जाके दिखाता हूँ। एक और चीज़, घर में जिस समय अभी बैठा हूँ टी शर्ट में, तो घर का वेदर आपको मैंने दिखाया था कि घर का वेदर 23 डिग्री चल रहा है। मैं इसको 24 पे भी लेके जा सकता हूँ। प्रॉपरली इंसुलेटेड घर होते हैं, जबकि लकड़ी के बने होते हैं सारे, पर इंसुलेशन बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हुई हुई होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपको फील नहीं होता अगर आपकी गाड़ी भी गर्म है, घर भी गर्म है, मॉल्स भी गर्म है, दुकानें भी गर्म है, इससे फिर इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाता है, चाहे जैसा मर्जी वेदर क्यों ना हो। तो यही बात है कि इसीलिए यहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं और रहते हैं। तो हाँ, टोरंटो से अगर आप आ रहे हैं तो इट्स अ बिग शॉक, ठीक है, फॉर श्योर। मैं आज आपको थोड़ा सा शॉक के अंदर जाके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और फील करते हैं उसको। आज मुझे प्रॉपर बंडल अप होना पड़ेगा, आई बिलीव कि मैं एक स्वेटर पहनूंगा, उसके ऊपर एक जैकेट पहनूंगा। स्नो बूट मैं इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। तो स्नो बूट मैं आज भी नहीं पहनूंगा, आज भी मैं रनिंग शूज़ ही पहनूंगा, और होपफुली कि गाड़ी भी सही रहे। अगर गाड़ी नहीं है, मैं आपको बस स्टॉप्स भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि वो किस तरह के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हीटेड होने चाहिए आई बिलीव कि इवन इन एरियाज़ में भी, चाहे मैं नॉर्थ वेस्ट में रहता हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड क्वाड्रेंट ऑफ कैलगरी, जिसकी वीडियो आने वाली है कि आपको कहाँ पे घर लेना चाहिए फॉर श्योर, और कितना आपका प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो सकता है, जो कि मुझे हुआ है लास्ट ईयर से अभी तक ऑलमोस्ट 100% अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ है, सच में इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई देर यू गो, फायदा भी है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं। तो जल्दी से निकलते हैं, बाहर जाता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, और इन सब चीज़ों से ये पता चलेगा कि क्यों आपके लिए कैलगरी ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको क्यों नहीं आना या क्यों आना है, और आप क्या क्या सेविंग कर सकते हो। मेरी वीडियो से आपको ये सारी बातें पता चल सकती हैं फॉर श्योर, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ थ्रू दिस चैनल। क्योंकि देखें, जो मैंने स्ट्रगल करी है, मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब के थ्रू एक सवाब का काम करूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, एंड दैट्स वॉट माई एम इज। सो कीप वॉचिंग, एंड आई एम गोना गो आउटसाइड। सो दिस इज माई वर्किंग स्टेशन, बस अब काम खत्म हो गया, चलते हैं। एंड अगर आपके पास रिमोट स्टार्टर है गाड़ी का, तो भाई हाईली रिकमेंडेड कि गाड़ी आप स्टार्ट करके रखो, ताकि वो थोड़ी सी गर्म हो जाए।
इससे फ़ायदा ये कि जब आप बाहर निकलोगे तो गाड़ी ऑलरेडी हीटअप होगी, बिग एडवांटेज अगेन। अगर आपके पास ये सब नहीं है भाई, अगर आप बस में जा रहे हो, फर्ज करो इसी तरह मैं अगर बाहर जा रहा हूँ, मुझे बस लेनी है, आई एम गोना लिटरली बंडल अप इसका डबल आई गेस। मतलब सीरियसली, अभी मैं दो पैंट्स मैंने पहनी हुई है, दो ट्राउजर्स होंगे, ग्लव्स होंगे प्रॉपर मेरे पास, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस ठंड में आप रिस्क नहीं ले सकते हो, इट्स टू कोल्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर बंडल अप हो गाइस, 100%। इसको आप मजाक नहीं ले सकते हो। चलिए लेट्स गो। तो मैंने कहा ये एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहली दफ़ा मैं खुद -33 फील करने वाला हूँ, आई स्वेयर टू गॉड। ये भाई रिमोट है, ये मैंने खोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, देखें स्टीम कैसी, कैसे स्टीम बनना शुरू हो गई है। अस्तगफुरुल्लाह। ओके ओह, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं। इट्स ब्रूटल, ब्रूटल है। इट इज़ व्हाट इट इज़, घर तो गर्म है, तो जाते हैं बाहर भी, देखते हैं क्या क्या चीज़ें सही चल रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। आई होप ऐसे मैं गाड़ी भी निकाल सकूं और चला भी सकूं, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ डेंजरस राइट नाउ। लेट्स गो। तो भाई देख लें, ये अलास्का नहीं है, ये कैलगरी है, विच इज़ जो कि काफ़ी साउथ में है, मतलब अलास्का से। पर यहाँ पर हालत है, बर्फ़ देखें इतनी जमा नहीं हुई, विंड चिल इंतहाई ज़्यादा, -33 जैसे कि मैंने बताया। पर देखें फिर भी बसेस वगैरह सब चल रहा है, देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बसेस भी चल रही हैं, ये देखें लोग भी घूम रहे हैं। तो अगेन इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट यस, अगर इतना आपने घूमना है ना बाहर, जैसा वो बंदा वॉक कर रहा है, आपको प्रॉपर बंडल अप होना पड़ेगा 101%। यानी कि नीचे से स्पेशली डबल लेयरिंग आपकी ट्राउजर्स वगैरह की, या ट्रिपल लेयरिंग, और साथ में शूज़ आपके पास, स्नो बूट 100% होने चाहिए, वरना आपका फ्रॉस्ट बाइट पक्का है भाई, ये मैं आपको बता दूँ। और ड्राइविंग में भी कोई मुश्किल नहीं हो रही, यहाँ पे लेन्स वगैरह पे लोग बिल्कुल गाड़ी चलाते हैं हमेशा, जब भी अगर नॉर्मल वेदर हो, पर इस वेदर में आप अपनी लेन अपनी मर्जी से बनाओ और आप बस गाड़ी चलाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस लेन में हो। पर देखिए दुनिया चल रही है, फिर भी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोग भी निकल रहे हैं, सो एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। तो भाई अभी तक तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, मतलब मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह फील नहीं हुआ कि बहुत सख्त सर्दी है, जबकि है तो सही। बी केयरफुल अगेन, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए सच में, तो इसलिए ऐसे वेदर में घर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। बर्फ़ अगर ज़्यादा होती तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, पर मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ भाई, क्योंकि जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना कैलगरी आने के लिए, और जो लोग कैनेडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि मुझे नहीं पता था जब मैं कैलगरी आ रहा था कि इतनी ठंड होगी, सुना था, पर ऑब्वियसली आप उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते हो कि कितनी ठंड हो सकती है, राइट। तो जी ये है हमारा रेगुलर रूटीन, हम लोग अक्सर आ जाते हैं, मैं जैसे मुझे ब्रेक का टाइम मिलता है, मैं अपनी फैमिली को लेकर आया, तो हमें थोड़े से एडिक्टेड कॉफ़ी से, तो हम कॉफ़ी पीते हैं, और उसके बाद अगर कुछ ख़रीदना हो, कुछ करना हो, तो वो भी करते हैं। जबकि आज वर्किंग डे है और मैं काम कर रहा था, पर मैंने कहा चलो अब निकलते हैं बाहर, शाम होने वाली है, इधर मेरा वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है, उस लिहाज से मैं थोड़ा लकी हूँ। बाकी ये कि ठंड बहुत ज़्यादा है, अगेन लेट्स गो आउटसाइड। ओके गाइस, ये देखें लोग जो है बंडल अप होके सड़कें भी क्रॉस कर रहे हैं, सब चल रहा है। तो हम आ गए हैं डॉलर आमा में, जहाँ पर सपोजली चीज़ें डॉलर की होनी चाहिए, पर कोई भी चीज़ यहाँ पर डॉलर की नहीं होती। बट इट्स अ गुड शॉप, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, यू नो, घर के सारे सामान वगैरह, इट्स नॉट अ ग्रोसरी स्टोर, बट यू कैन एक्चुअली बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग जो घर में यूज़ होती है, तो इट्स अ गुड स्टोर फॉर श्योर। एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ गैलरी के बारे में, वो देख रहे हैं आप सामने, ये बॉटल डिपो जो है, तो ये बॉटल डिपो का सीन यहाँ पे ये है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं ये डिपॉजिट होता है जो आप देते हैं, तो 10 सेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे जब आप इस तरह की बॉटल्स रिटर्न करेंगे। तो ये रही भाई करोना, बड़ी मशहूर बियर है, पर 0% अल्कोहल, तो ये आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई करेगा आज, और अभी गाड़ी में जाके ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं किसका कैसा टेस्ट है। बाकी इस तरह बहुत सारी यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी मिलती हैं, इट्स अ गुड स्टोर टू बी ऑनेस्ट, देख रहे हैं आप। तो अगर आप आते हो कनाडा, ओवरऑल हर जगह आपको ये स्टोर मिलेगा डॉलरामा। तो भाई ये सीन है यहाँ पे, ठंड जो है ना, देखिए अभी मैंने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ, एक मिनट, मेरे ख्याल में एक मिनट में ज़्यादा और पकड़ सकता हूँ,
अनबिलीवेबल। पर फिर भी दुनिया चलती रहती है, मैं आपको बता दूं, दुनिया फिर भी चल रही है, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, काम कुछ नहीं रुका, किसी का काम नहीं रुका, ये बात है बस, क्योंकि मेंटेन किया हुआ भाई, मेंटेनेंस प्रॉपर है, इट इज लिवेबल। और अगर आप वंडर कर रहे हैं कि भाई आप लोगों के घर के आगे से बर्फ कैसे उठती है, वो इस तरह उठती है, जो मैनेजमेंट होती है टाउन हाउसेस की, वो इसको क्लीन करती है, इसी की फीस हम लोग भरते हैं पर मंथ अराउंड $250, $250 की तकरीबन फीस है, और ये देखें पर आपकी सारी जो है ना ड्राइववे उसको क्लियर कर देगा, तो आपको शवल करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ यू नो हैविंग अ टाउन हाउस इंस्टेड ऑफ अ डीटैच। पर हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अब देखिए मैं आया हूँ तो मुझे कि मुझे अपना ड्राइववे फिर क्लीन मिलता है, सर्वाइव कर सकते हो इवन -33 क्यों ना हो रहा हो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड गाइस बाय अ कार एज सून एज यू अराइव। $2,000 की, $3,000 की भी गाड़ियां मिल जाती हैं, तो इसलिए आप लोग फौरन कोशिश करके गाड़ी खरीद लें सर्दियों से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट आई गेस। गाड़ी के बगैर तो फिर, अभी मैं देख रहा था बस स्टॉप पे लोग खड़े थे, आई स्वेयर टू गॉड एक बंदा था उसकी दाढ़ी पे पूरी बर्फ जमी हुई थी, तो मतलब मुश्किल है भाई इस तरह। मैं तो आई विश के यू नो सभी के पास गाड़ियों पर, हाँ अगर आप हो सके तो आप गाड़ी जरूर बाय कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं ये नॉन अल्कोहलिक बियर का मैं आपको अभी रिव्यू दे देता हूँ, ज़रा इसको ठंडा करते हैं पहले बर्फ में। शाबाश शाबाश, थोड़ा इसके ऊपर बर्फ डाल लेते हैं। चलें, इसको मैंने दफन कर दिया है और अब इसको मैं निकालता हूँ। तो आई बिलीव अभी तक जो है बॉटल ठंडी हो चुकी होगी, अभी मैं निकालता हूँ। हाँ। सो भाई ये है कोरोना नॉन अल्कोहलिक, अभी ट्राई करके देखते हैं, पहले स्मेल करते हैं। स्मेल्स लाइक टिपिकल बियर, एक्चुअली बियर की स्मेल है 100%। पर इस पे लिखा है सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो ये बड़ा ज़रूरी है भाई। अब मैं पहला घूंट लेकर आपको दिखाता हूँ। चीयर्स। नॉट बैड, बिल्कुल जैसे वीट आप समझ लो जो होता है, मतलब आई नो ये टेस्ट हमारी मॉल पाकिस्तान में बहुत सारी मिलती हैं सर, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। गुड एक्चुअली, इट्स नॉट बैड, ओनली 60 कैलोरीज, सो नॉट बैड। तो इसलिए भाई आप भी पिए, अगर कुछ ना हो करने के लिए सर्दियों में, थोड़ी सी बेर भी ले लें, नॉन अल्कोहलिक हो तो अच्छी बात है भाई, आई वुड रिकमेंड। टेक केयर।